हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल टिप्स एक्सपर्ट चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई भी खट्टे सामान खा लेते हैं, जैसे होते हैं नींबू, इमली, कच्चा आम, इन सब चीज़ों को खाने के बाद अगर आपके दांत के अंदर आपको खट्टापन महसूस हो रहा है, जिससे आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घरेलू उपाय से आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ, अगर आपका दांत नहीं सही होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप तक अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे नहीं ठीक होता है तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अभी जो बताऊँगा वो अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो बाद में आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो इसका उपाय है वो है गर्म पानी। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको गर्म पानी कैसे उपयोग करना है। अब उतना ज़्यादा उबला नहीं होना चाहिए, वो कम जितना आप अपने मुँह के अंदर रोक सकें पानी को, ठीक है। मुँह के अंदर आप रोक सकें उतना ही आप पानी को गर्म कीजिएगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, यानी सिर गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए पानी। उसके बाद जिस साइड में आपके दांत पे खट्टापन महसूस हो रहा है मुंह में पानी लेने के बाद, आप उसी दांत के साइड में मुंह को उस साइड कर दीजिए, मतलब ताकि पानी उस दांत पे जाके पूरा भीगा रहे, मतलब कहने का सेंस उसमें दांत में जो पानी रहे वो दांत के अंदर डूबा रहे। तो आपको ऐसे एक मिनट तक रुके रहना, जब तक आपको महसूस ना हो कि पानी ठंडा हो गया तब तक आप ऐसे रुके रहिएगा। तो ऐसे आपको 3 से 4 बार करना है। तो गाइस, अभी जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे आपको सेम वैसे ही करना है, उसी प्रोसेस से आपको ये वाला जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये वाला आपको गलती नहीं करना है, इससे आपका गला जल सकता है। तो अभी आप जो देख रहे होंगे वो आपको सेम वैसे ही करना है, जिस साइड में आपको दांत में खट्टापन महसूस हो रहा है आप पानी को उसी साइड ले आके रोके रहिएगा। तो गाइस, आपको इसको दिन में 1 या 2 बार करना है, मैक्सिमम 2 टाइम, और अगर नहीं सही हो रहा है उसके बाद तो आपको डॉक्टर के पास जाके विजिट करना होगा, क्योंकि इसके बाद कोई और इलाज नहीं है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो भाई हमारे मेहनत का फल होता है, ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो गाइज़, बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।